सकते हैं कि कितनी सुंदर ग्रेवी और कितने बढ़िया कोफ्ते दिख रहे हैं, और थोड़े सॉफ्ट भी हो चुके हैं ये, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। कितने बढ़िया कोफ्ते बने हैं, तो ये देखिए कितने नरम हैं, सॉफ्ट हैं। आप अंदर तक देख सकते हैं किस तरह ग्रेवी अंदर तक गई है। यकीन मानिए आप एक बार बना लेंगे, सबको बहुत पसंद आते हैं शादियों वाली पालक कोफ्ता करी। पालक कोफ्ता करी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पालक को मैंने इस तरह से साफ करके अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे, उसके लिए मैंने पानी पहले ही बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहला स्टेप है पालक प्यूरी बनाना, उसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम पालक लेकर के उसको अच्छे से धो लिया था, और इसको हम अच्छे से पानी में बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा देर के लिए इसको नहीं हमने बॉईल करना, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो इसमें बॉईल तो आ चुका है, 2 से 3 मिनट के लिए और इसको हम बॉईल कर लेंगे ताकि पालक जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद पालक जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे, और इसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक ठंडे पानी का बाउल लिया है, इसमें डालेंगे जिससे कि जो पालक है वो बिल्कुल भी उसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल ब्राइट ग्रीन रहेगा प्यूरी जब हम बनाएंगे उसका कलर। तो ये देखिए इसको निकाल लेंगे और तुरंत इस पानी में डाल देंगे, ठंडे पानी के बाउल में। पालक जो है वो ठंडी हो चुकी है, हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर पालक का प्यूरे रेडी है और कलर बिल्कुल ब्राइट ग्रीन है। इसको हम साइड पर रख देंगे, आगे हम कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए जब भी आप बेसन का इस्तेमाल करें तो उसको हल्का सा रोस्ट कर लें, उससे कोफ्तों का स्वाद जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो आप रोस्टेड बेसन से एक बार बना के देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कोफ्ते कैसे बने। सिर्फ 3-4 मिनट के लिए भूनना है कि बेसन से हल्की सी खुशबू आने लगे, बहुत ज़्यादा कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टिप है बहुत ही काम का, जिससे आपके खाने में स्वाद तो बढ़ेगा। मैं हर बार जब भी कोफ्ते बनाती हूँ, चाहे वो लौकी के हों या फिर पालक के, मैं बेसन को इस तरह से भूनकर इस्तेमाल करती हूँ। इससे बेसन के कच्चेपन की स्मेल भी नहीं आती और बहुत ही टेस्टी लगता है। जो कोफ्ते में टेस्ट आता है वो भी बहुत बढ़िया होता है। तो बेसन के भुनने की खुशबू आने लगी है और 2-4 मिनट हो भी चुके हैं, तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ठंडा हो जाए। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 1 कप जितनी पालक, और इसको अच्छे से धोकर के बारीक कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 100 ग्राम जितना पनीर, और इसको हम इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। ये शादियों वाले कोफ्ते हैं तो टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया होता है इनका, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो जितना हमने पनीर लिया है उतना ही हम इसमें मावा ऐड करेंगे। यहाँ पर लगभग 100 ग्राम जितना ही मावा ले रही हूँ मैं, और इनको एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मावा और पनीर जो है वो इसको बिल्कुल शाही टेस्ट देता है, और कोफ्ते भी बिल्कुल मलाई जैसे नरम नरम बनते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, 1/2 छोटा चम्मच इतना नमक, 1/2 छोटी चम्मच इतना हरी मिर्ची का पेस्ट। इससे टेस्ट बहुत ही ज्यादा फ्रेश आता है। अगर आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 छोटे चम्मच इतना अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटे चम्मच इतना गरम मसाला या फिर किचन किंग पाउडर, मैंने यहाँ पर किचन किंग मसाला लिया है। और अब हम इनको एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप जितना बेसन जो है वो रोस्ट करके लिया है, इसमें से थोड़ा थोड़ा बेसन हम ऐड करेंगे जिससे कि बस बाइंडिंग हो जाए। तो मैं पहले यहाँ पर 1/2 कप जितना बेसन ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना एक बार में। अगर आप बहुत ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो कोफ्ते जो हैं वो टाइट हो जाएंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बेसन ना ऐड करें। तो कोफ्तों का मिक्सचर अच्छे से रेडी है, तो अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसको इस तरह से हाथों पर लगाकर हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। आपने शादियों में देखा होगा बहुत ही छोटे छोटे कोफ्ते मिलते हैं जो ग्रेवी होती है उसमें, तो इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं। जब ये ग्रेवी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वैसे भी बड़े हो जाते हैं। तो आप पहले एक कोफ्ता जो है वो डाल करके फ्राई करके देख लें कि कहीं कोफ्ते टूट तो नहीं रहे, बट ये परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं ऑलमोस्ट, तो इसलिए मैं सभी कोफ्ते पहले रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर सभी कोफ्ते बन करके रेडी हैं। ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म कर लिया है मीडियम हीट पर, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना और बिल्कुल लो पर भी नहीं करना। तो आइए जल्दी से हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे कोफ्तों को। तो इनमें हम एक एक करके कोफ्ते डाल देंगे और इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि जो बेसन है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए। वैसे तो सभी कुछ कुक्ड है क्योंकि बेसन भी हमने रोस्ट करके ऐड किया है,
पनीर, खोया सब कुछ ही लगभग कुक्ड है। 7 से 8 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने के लिए। और अगर आपके पास खोया ना हो तो आप घबराए नहीं, उतनी ही अमाउंट पनीर की ऐड कर दें, यानी कि 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम पनीर डाल दें तो आपके जो कोफ्ते हैं बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। बस उसमें थोड़ी सी स्वीटनेस आ जाती है खोए से, जो कि एक शाही सा टेस्ट देती है, तो इसलिए खोया ऐड किया जाता है। बट अगर आपके पास ना हो, आपको ना मिले इजीली, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो हम फ्राई कर लेंगे पहले, इन्हें ज़्यादा टच नहीं करना क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट हैं खोए की वजह से, पनीर की वजह से। तो इन्हें बस आप पैन जरा सा या ऑयल को हिला दें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे खुद ब खुद। देखिए साइड से कोफ्ते ऊपर आने लगे हैं, तो अब इन्हें हम 3-4 मिनट के लिए और फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद ये सभी कोफ्ते धीरे धीरे ऊपर आ गए हैं ऑयल में, और अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से रोटेट करते हुए हर तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो इनको बिल्कुल गोल्डन कलर आने देंगे। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर आ गया है कोफ्तों पर, क्योंकि जब हम इन्हें निकाल लेंगे उसके बाद भी इनका कलर जो है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। तो मैं ये सभी कोफ्ते निकाल लूँगी। बहुत ही सुंदर फ्राई हुए हैं कोफ्ते जो हैं, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। आप इन्हें इसी तरह से स्नैक की तरह भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर कोफ्ते बने हैं। तो आइए अब हम करी बनाएंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। आप ऑयल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले, जिसमें लिए हैं मैंने 2 तेज पत्ते, 1 सूखे लाल मिर्च, छोटा सा दालचीनी के टुकड़े, आधी मोटी इलायची, साथ में यहाँ 3 से 4 लौंग, 1-2 काले मिर्च और यहाँ पर है जीरा 1 छोटा चम्मच। तो इन सबको डाल देंगे, ऐसे ही ये भुन जाएंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। इसके बाद डालेंगे 2 छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम डाल देंगे इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज, जिनको कि मैंने यहाँ पर हल्का क्रश कर लिया था, बहुत ज़्यादा बारीक फाइन पेस्ट नहीं बनाया है मैंने इनका। इसी समय पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट। ये लगभग 2 से 3 हरी मिर्च हैं, आप चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। और इसको भी इसी के साथ भून लेंगे हम। हरी मिर्ची से बहुत ही फ्रेश सा फ्लेवर आता है, तो इसलिए मैंने हरी मिर्ची ऐड की है यहाँ पर। इनको भी भूनना है जब तक कि अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे। देखिए प्याज जो है वो भून करके बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं, अच्छे तरीके से भून गए हैं। तो इसमें ऐड करेंगे मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1/4 चम्मच इतनी हल्दी, 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च क्योंकि मैंने हरी मिर्च ऐड की है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पर है 1/2 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। तो ये सब डाल देंगे। पहले मैं 3/4 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, अगर ज़रूरत लगेगी तो बाद में ऐड कर देंगे। तो मसाले भुन चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए और उनको मिक्सी में डाल करके पीस लिया है, तो हम ये डाल देंगे। तो इसको भूनने देंगे लगभग 5 से 7 मिनट, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और जो मसाला है वो पैन छोड़ने लगा है, और ये हल्का हल्का सा आपको यहाँ पर इसमें ऑयल दिखाई देने लगेगा क्योंकि हमने ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम डाली थी। मसाला भून करके रेडी है, अब हम इसमें डाल देंगे पालक का प्यूरी जो कि हमने ऑलरेडी बना करके रखा है। तो इसको डाल देंगे, इसको एक बार मिक्स कर देंगे। तो इसी के साथ इसमें 1 कप जितना पानी डाल देंगे क्योंकि अभी हमें इसे कुक करना है मसाले के साथ, तो इसमें पानी ऐड ज़रूर करें क्योंकि कोफ्ते डालने के बाद अदरवाइज ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी जो हमारी ग्रेवी बनेगी, तो इसलिए पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसमें 3/4 चम्मच डाल नमक डाला था, तो यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच नमक और ऐड कर रही हूँ ग्रेवी के अकॉर्डिंगली। आप इस स्टेज पर ग्रेवी को टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। तो अब इसे हम एक बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी में एक उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं ग्रेवी बॉयल हो रही है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम या मलाई, जो भी आप ऐड करना चाहें। मैं यहाँ पर
घर की मलाई का यूज कर रही हूँ, जो दूध पर मलाई आती है ना ये वही मलाई है, बट मैंने इसको छान लिया है। छानने के बाद ये स्मूथ हो जाती है तो ग्रेवी में छिलके छिलके नहीं आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर घर की मलाई है 2 टेबलस्पून वो ऐड करनी है हमें। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है, तो इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे कवर होके लगभग 5 मिनट के लिए कुक करेंगे कवर करके, ताकि ये जो सभी फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। कर देंगे और 5 मिनट के लिए अब हम इसे पकने देंगे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो इसे 5 मिनट हो चुके हैं तो हम चेक कर लेंगे। अब देख सकते हैं ग्रेवी पर कितना बढ़िया कलर आया है। इतना ही इसको पतला होना चाहिए, ना इससे गाढ़ा ना इससे ज़्यादा पतला। अब हम लास्ट में इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते जो हैं उनको डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक हल्का सा बॉयल लगाएं और उसके बाद आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैं ये कोफ्ते, इनको भी डाल देंगे। और कोफ्ते डालने के बाद इसको एक बार स्टर कर देंगे और बस 1 से 2 मिनट के लिए ढक कर के पकाएंगे। तो इसे 2-3 मिनट कुक होते हुए कोफ्ते हो चुके हैं, तो के साथ बिल्कुल रेडी है। तो अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इतनी कसूरी मेथी। इसको हाथों पर फ्रेश करके इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी जो है पालक की कोई भी सब्जी हो तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है। तो ये देखिए बन करके रेडी है हमारी पालक कोफ्ता करी। यहाँ देख सकते हैं ये देखिए बिल्कुल शादियों जैसी पालक कोफ्ता करी बन करके रेडी है। कोफ्ते थोड़े से ठंडे हो चुके हैं और इन्होंने ग्रेवी को अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए सकते हैं कि कितनी सुंदर ग्रेवी और कितने बढ़िया कोफ्ते दिख रहे हैं और थोड़े सॉफ्ट भी हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। शादियों में आपने देखा होगा कि इसी तरह के कोफ्ते होते हैं और ऐसी ही ग्रेवी। तो बिल्कुल गर्मा गर्म पालक कोफ्ता करी और इसको मैं थोड़ी सी क्रीम से गार्निश करूँगी। तो आप इस रेसिपी को एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको एक जो कोफ्ता है वो कट करके दिखाती हूँ कितने बढ़िया कोफ्ते बने हैं। तो ये देखिए कितने नरम हैं, सॉफ्ट हैं। आप अंदर तक देख सकते हैं किस तरह ग्रेवी अंदर तक गई है। यकीन मानिए आप एक बार बना लेंगे, सबको बहुत पसंद आते हैं। शादियों वाली पालक कोफ्ता करी आप घर पर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून। और अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय।